नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीओ अजय astromoneygurus.com आपसे मुखातिब होता हूं 24 सितंबर सन 2021। एग्रो जींस के अंदर कौन सी जींस में आज तेजी की संभावना बनेगी, कौन सी एग्रो जींस के अंदर आज मुनाफा वसूली या गिरावट की संभावना बनेगी, शेयर बाजार में क्या होगी हलचल और बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर क्या रहेगी आज की गतिविधि, इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रोटेक्निकल के आधार पर आज का विश्लेषण। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां वृषभ, कन्या और मकर यानी 2, 6, 10 मिश्रित फल की ओर इशारा कर रही हैं। बड़े सौदों से बचें, 12 से 1 के बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। वायु तत्व की 3 राशियां 3, 7, 11 मिथुन, तुला, कुंभ राशि आज मुनाफा मिलने की अधिक संभावना बन रही है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें, उससे पहले मुनाफा वसूल कर लें। जल तत्व की 3 राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आज आप मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। अब क्या संभावना बढ़ेगी एग्रो जींस के अंदर? आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड के अंदर हमने गवार सीड हो चाहे तिलहन हो उसके ऊपर आपसे बात की थी, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में भी आपको लगातार अपडेट दिए थे। दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए और मंडी कारोबारियों के लिए, क्योंकि बरसात यानी मानसून की सटीकता ही उनके मुनाफे पर असर डालती है। आपको याद होगा कि जुलाई अगस्त के अंदर हमने कहा था कि औसत से कम बरसात होगी, जबकि भारतीय मौसम विभाग अच्छी बरसात की भविष्यवाणी कर रहा था और औसत से अधिक की बात कर रहा था। सितंबर अक्टूबर के अंदर हमने कहा था कि तेज बरसात रहेगी और इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून संभवतः अक्टूबर तक रहेगा। इस साल संभवतः दूसरे सप्ताह तक साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, जिसका अग्रिम आकलन हमने आपको 3 महीने पहले भी दिया था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब फसलें बिल्कुल तैयार हैं। खरीफ फसल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ऑल सीड यानी सोयाबीन भी बिल्कुल कटाई के ऊपर है और अब अधिक बरसात होना सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा की एक बहुत चर्चित फसल गवार सीड भी बहुत शुरुआत के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर कम बरसात, पश्चिमी राजस्थान के अंदर औसत से बड़ी जबरदस्त कम बरसात हुई, गुजरात में भी बहुत कम बरसात देखी गई, उसका नकारात्मक प्रभाव गवार सीड की फसलों पर पड़ा और फसल के दाने तक सूख गए। और अब तेज बरसात पड़ रही है, खेतों में पानी लगातार भरने की सूचना मिल रही है, देश के विभिन्न भागों से लगातार तेज बरसात की सूचनाएं मिल रही हैं और वीडियोस मिल रहे हैं, और किसानों से बात करने पर, मंडी के व्यापारियों को बात करने पर हमें प्राप्त एक जो सूचना मिल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, ये लगातार अपडेट हम मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर लगातार आपको दे रहे हैं। उम्मीद है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इस अद्भुत क्षमताओं का दर्शकों ने भरपूर लाभ उठाया होगा। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? आज गवार सीड और गवार गम के अंदर इंटरडे के अंदर मजबूती की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि छोटी अवधि के व्यापारी टाइम पे मुनाफा वसूल करेंगे तो ही फायदा। इसके अतिरिक्त हल्दी जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखें मार्च अप्रैल के महीने से हल्दी ने बड़ी तेजी दिखाई थी और उसके बाद लगातार हल्दी गिरी। आज हल्दी के अंदर संभवतः तेजी की संभावना बनती है, आप उस पर रख सकते हैं। कृषि जींसों पर आज का अपडेट। अब शेयर बाजार में क्या संभावना बन रही है? दोस्तों, आपको याद होगा कि भारतीय शेयर बाजार के बारे में हम भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था का मिरर यानी दर्पण कहा जाता है। यदि किसी भी देश के की अर्थव्यवस्था को आपको देखना है तो उस देश के शेयर बाजार की का कैपिटलाइजेशन और साइज आप देखें, आकार देखें, तो आपको उस देश की अर्थव्यवस्था का बिल्कुल क्लियर ढांचा आपको नजर आएगा। भारतीय शेयर बाजार लगातार तेजी की ओर अग्रसर हो सकता है, नए ऐतिहासिक स्तर छू सकता है, सेंसेक्स 60,000 के ऊपर जा सकता है, लेकिन इस तेजी के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी स्टॉक्स का, मेटल स्टॉक्स का,
और FMCG स्टॉक्स का अच्छा योगदान अब रहने की संभावना बन सकती है। आप नजर रख सकते हैं मारुति उद्योग के ऊपर, आपको याद होगा हमने टाटा स्टील, टाटा केमिकल, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको पिछले 3 शो में आपसे बात की थी, जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया। इसके अतिरिक्त दूर संचार की जो कंपनी आती है जो कि सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अंदर भी हमने आपसे चर्चा की थी कि इसके अंदर आप नजर रखें। आइडिया वोडाफोन ने तो लगभग पिछले 7-8-10 दिन के अंदर ही 20% से अधिक का मुनाफा आपको कमा के दिया। आज आप नजर रख सकते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी कंपनियां इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक पे नजर रख सकते हैं, और आने वाले अगले साल के लिए मारुति के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी, उस पर आप नजर रख सकते हैं। आपको याद होगा हमने होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी बात की थी, ताज जीवी के पे बात की थी, टाटा केमिकल पे बात की थी, बर्जर पेंट और एशियन पेंट के ऊपर भी बात की थी। आप हमारे लगातार शो सुन रहे हो तो उसमें भी जबरदस्त मुनाफा आज देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बुलियन के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं? बुलियन आपको याद होगा कल हमने कहा था कि सिल्वर के ऊपर नजर रखिए, सोने चांदी के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है। कल बुरी तरह से सिल्वर और सोना यानी चांदी और सोने ने गिरावट दर्ज हुई, उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने भरपूर लाभ उठाया होगा। आज बन सकती है बुलियन यानी सोने चांदी में बड़ी हलचल। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। एक बात और, बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जीत दर्ज करती है, क्योंकि उनका विश्लेषण बिगड़ जाता है। और ये जो दर्शकों का ये जो प्यार आप लगातार हमारे प्रोग्राम को देते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन बहुत से विश्लेषकों को, बहुत से लोगों को परेशानी होती है जब भारतीय रहस्यमय विद्याएं, जब भारतीय विद्या लोगों से आगे आती है। तो दोस्तों आप को यदि भारतीय विद्याओं पर भरोसा है, उसकी काबिलियत पर भरोसा है, तो इस प्रोग्राम को दूसरे अपने किसान भाई और कारोबारी बंदियों को अवश्य शेयर करें, और अपने कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिए कि आपके इलाकों के अंदर बरसात की क्या पोजीशन है, क्या बरसात अधिक हो रही है। खासकर MP के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑयल सीड के अंदर MP का दर्जा सबसे ऊँचा है, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा MP में ही उत्पादित होता है और वहाँ का मानसून, वहाँ का फसलों का पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।